भाई इनको पानी जूस वूस पिलाइए इनको, तुम रिलैक्स करो, डॉक्टर आ रहा है वो आकर तुमको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, एग्जामिन करेगा। सर बाहर पुलिस आई हुई है, कहती है कि बयान लेना है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप रिलैक्स करें। खाना लिखवाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं DIG क्राइम ब्रांच हूँ, मुझे डॉक्टर शाहब का बयान रिकॉर्ड करना है, मैं इस केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हें किसने बताया कि वो घर वापस आ गया है? सर हमें इतला हो गई थी। इसलिए कि तुम मुझे मुझसे मिले हुए हो, तुमको सब कुछ बता देती है। सर आप जो भी समझे, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। आपने उसकी रिहाई में कोई बगल नहीं किया, आप जा सकते हैं, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सर ये हाई प्रोफाइल केस है, हमें अदालत को जवाब देना है। ठीक है, तो फिर कल अदालत में बात होगी। फिलहाल उसकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि वो आपसे मिल सके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो जी, एक और एजेंसी ने मुलजिमान को अपनी तहवील में ले लिया और आपके लोगों को करीब भी नहीं आने दिया, ये रिपोर्ट चल रही है मीडिया पर। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी एजेंसी वहां उन मुलजिमान को अपनी तहवील में क्यों नहीं ले सकी? जी आप देर से पहुंचे। देखिए, ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस देर से पहुंचने का जवाब नहीं होता और मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कराची पुलिस का कंट्रोल कहीं और होता है, वी नो इट, राइट? बात ऊपर करनी पड़ेगी मुझे, मुझे मुजरिमान और पैसा दोनों चीजें वापस चाहिए। आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया है। थैंक यू। इसका मतलब तो यह है कि आपकी एजेंसी नाकाम हो गई। मैडम अफरोज, पाकिस्तान में एजेंसीज को आपस में लड़वाया जा रहा है, लड़वाने वालों ने दस्ताने पहने हुए हैं और किसी को नहीं पता कि कौन लड़वा रहा है। सुनिए, अगर आप नहीं पता चला सके तो और किसी को कैसे पता चलेगा? प्लीज पापा, मैं ये बातें अब मजीद नहीं सुन सकता। मुझे पता है वो कौन लोग थे, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे कराची का भी पता है। जो हो गया सो हो गया, जो गया वो वापस नहीं मिलने वाला, छोड़े जो हो गया छोड़े उसको। बेटा ये लड़ाई और है, तुम अपने पापा को इस मुल्क के सिस्टम से चैलेंज करने दो। लेकिन मामा ये कुछ सिस्टम है, कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद लोगों को अगवा करते फिर रहे हैं, तो अब चैलेंज किसे करेंगे? बेटा तो ये मौका तो हम उन्हें खुद फराहम करते हैं ना। जब तुम एक गरीब आदमी से उसके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए 2,00,000 रुपए में इस पर रखवा लोगे और वो कुछ नहीं कर सकेगा तो उसे माफिया के पास जाना ही है। आप किस तरह कह सकते हैं ये बात? ये बात इब्तदाई बयान में आ चुकी। हाँ ठीक बात है, मैंने उस आदमी को देखा था वहां उन लोगों के साथ, लेकिन बाद में वो फिर नजर नहीं आया मुझे। ये तो अजीब दीदा दिलेरी है, इस तरह से तो कल को कोई भी आकर बंदूक की नाली पर ऑपरेशन करा लेगा। मुफ्त इलाज करेंगे क्या हम इसका? सिर्फ और सिर्फ
एक ही मतलब है कि हम जो कुछ भी करें हमें मीडिया को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि मीडिया लूटमार में अपना हिस्सा मांगता है। लेकिन अरबाब, आप एक काम करते हैं जिसकी एक फीस लेते हैं, शहाब कुछ और काम करता है जिसकी वो फीस लेता है, इसमें लूटमार कैसे हो गई? अफरोज बेगम, जिस चीज को मीडिया लूटमार कहता है उसे हम फीस कहते हैं। तो अब मीडिया से इजाजत लेके सांस लेनी पड़ेगी, यानी हमारे हुकूक सब खत्म हो गए। जो भी हो, मैं तो सोच चुका हूँ मैं बयान नहीं दूंगा। मेरा बयान कोर्ट में होगा, पुलिस के सामने नहीं। सोच लो बेटा, जो आदमी इंतकाम लेने के लिए माफिया के पास जा सकता है वो मंजरियाम पर कभी नहीं आएगा। गरीब आदमी है, गुस्से और झंझलाहट में ये कर बैठा है। वो मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। पैसा तुम्हारा वापस आ जाएगा, परेशान मत हो। रह गई बात तुम्हारे ट्रॉमा की, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें उस ट्रॉमा से निकलने के लिए एक साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। Am I right, Afroz Begum? टेलीनॉर टॉकशॉक के नई सिम से तुम्हारे मामा के मोबाइल पर इतना कुछ फ्री मिले, 40 फ्री कॉल्स, 7 फ्री एसएमएस और फ्री इतना पहुंच जाएगा, फिर भी हमारे बैंड बजा दिया। पुलिस को हम कमा के खिलाए और हमारा ही सत्यानाश। अबे आज छिलके, हम कभी थाने गए नहीं गुरु, यह हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमने तो कभी अंगूठे का निशान तक नहीं छोड़ा। अब बदले की आग, पता साहब को पुलिस हमें उठा के ले आई, अब क्या साबित करेगी? क्या साबित करेगी? अरे साबित तो हम करेंगे, सारी स्टोरी बताएंगे अदालत को। देखो अदालत तक जाओगे तो बताओगे। अरे DIG, तू क्या समझता है, हमारा कोई नहीं है, कोई रब्ता नहीं है हमारा? अबे हमको उठाएगी रे जेब कतरे या रोड पे मोबाइल छीनने वाले नहीं है, धंधा करते हैं वर्ल्ड लेवल का, खुद ही छुड़ा के ले जाएगा जिस चीज को हमारी जरूरत होगी। धंधा तो तुम जरूर करते हो गुरु, लेकिन तुम्हें कानून की अलिफ बे तक मालूम नहीं। पुलिस कभी कानून के दायरे में रह के काम नहीं करती, इसीलिए तो मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं कानून के खिलाफ वर्जी करके, वरना तुम्हें तो एक SHO ने निपटा देना था मौके पर। बस DIG यार डायलॉग ना मार, शूटिंग नहीं चल रही यार। शूटिंग भी चल सकती है गुरु, दोनों तरह की, पिस्तौल वाली भी और कैमरे वाली भी। पिस्तौल वाली इस तरह के तुम्हें पिस्तौल से भून कर पुलिस मुकाबला दायर किया जाए। इतना हाई प्रोफाइल केस है कि सारे चैनल 6-6 घंटे तक लाइव बोलते हैं, और कैमरे वाली शूटिंग इस तरह कि तुम सबको तावान की रकम के साथ कैमरे के सामने पेश करके दाद वसूल की जाए। देख ले, ये भी करके देख ले जी, ये पता चल जाएगा कि हमारी जरूरत किस किस को है। अरे सबको हमारी जरूरत है, सरकार को, एस्टेब्लिशमेंट को, माफिया को, और अब तो सभी माफिया है। बोल रहे चांदी, जान देने को तैयार है गुरु, लाओ कैमरा, हम बोलेंगे। हाँ, और कैमरा आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जिस डॉक्टर को हमने उठाया है वो डॉक्टर नहीं है, डाकू है मुआशरे का। अरे मरे हुए लोगों का ऑपरेशन करके फीसें वसूल करता है। लोग हमारे हक में ताली बजा देंगे DIG, यही तो है आज के मीडिया का कमाल। ला फोन दे, चैनल को फोन लगाने दे, देख कैसे बदलती है पिक्चर। ये मौका मैं तुम्हें दूंगा गुरु, ये कार्ड मैं इस्तेमाल करूंगा। बेवकूफ, मैं तुम्हें अपनी कस्टडी में लेके आ गया हूं। इस्लामाबाद से एजेंसीज आ गई थी, उनके एक्शन से पहले हमें एक्शन लेना पड़ा, वरना वो तुम्हें गिरफ्तार करके तावान की रकम के साथ इस्लामाबाद ले जाते। उन्हें कैसे पता चला कि हम इस मकान में?
बस यही तो तू मार खा गया गुरु। आजकल टेक्नोलॉजी और आईटी इतने एडवांस हो गए हैं कि फोन कॉल को ट्रेस करना मुश्किल नहीं होता। इसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने पता चलाया तुम्हारे ठिकाने को। तो फिर बोलना भाई बाप, अब करना क्या है? गुरु, मैंने अपने आप को और तुम्हें बचा लिया है। तुम यहां आराम करो, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। बाकी स्टोरी कल खुलेगी। अरे एकदम मालचिया मिलवा देना थानेदार को, कह के मेरे लड़के बैठे बैठे थक गए। टेलीनॉर टॉक शॉक की नई सिम से तुम्हारे मामा के मोबाइल पर इतना कुछ फ्री। मगर पापा, मैं देखो ये मैंने नई सिम लगाई और ये मिलाई।